में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र तुझे आई की याद आई? इतने दिन कहाँ थी? आई तुझे क्या बताऊँ, दिन में इतना काम रहता है ना कि टाइम ही नहीं होता आने का, इसलिए अभी टाइम मिला तो आ गई। अच्छा दादा और वहीनी कहाँ है? अरे वो विनोद के फ्रेंड के घर पार्टी थी तो वो वहाँ। मुझे मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं विनोद, 3 साल हो गए हमें ये भुगतते हुए, गलती बाबा ने की और उनकी सजा हम भुगत रहे, उनकी वजह से हमारे दोस्तों की पार्टी में हमें बेइज्जत होना पड़ता है। अरे हर बात कितनी इंसल्ट होती है हमारी, अरे ये सब हम कब तक झेलते रहेंगे? चुप कर मंजू, क्या बोले जा रही है? अरे मुझे चुप कराने से क्या होगा, अरे बाहर जो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं उनका क्या करें? पता है आपको बाहर लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे बाबा चोर हैं, इसीलिए तो मुंह छुपाकर भाग गए। तू अच्छी तरह से जानती है वो चोर नहीं है। लेकिन आई लोग तो यही कहते हैं। लोगों की बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? तुम चुप नहीं रह सकती क्या? एक बात कान खोल कर सुन लो, वो मेरे बाबा हैं और उनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। विनोद तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे मैं उन्हें चोर कह रही हूँ। बोल तो लोग रहे, उन्हें जाकर चुप कराओ ना, मुझे चुप कराने का कुछ होगा क्या? अरे लोग इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं तो दुख तो मुझे भी होता है ना कि हमारे बाबा के बारे में बोल रहे हैं। हमेशा दोस्तों की पार्टी में हमें बेइज्जत होना पड़ता है, इसलिए मैं आइंदा से किसी पार्टी में जाऊंगी नहीं। बहुत हो गया, करे कोई तो भरे कोई। मंजू बाबा कहाँ है? देख रहे ना घर की हालत क्या हुई, आई की हालत क्या हुई, कम से कम एक बार वापस आ जाइए। और जिस तरह आपने आपने मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत दिया था ना, मुझे सब कुछ बताया था ना, उसी तरह सबको यहाँ आकर बता दीजिए कि आप चोर नहीं हैं। टैक्सी, भाई टैक्सी मैंने रुकवाई है। हाँ तो क्या हुआ? हाँ देखो मुझे जल्दी है, मैं जल्दी जाऊंगा, इस टैक्सी में जाऊंगा, समझा ना? देखिए आप जाती कर रहे हैं, आप अपनी मनमानी इस तरह से नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, समझा ना, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। देखिए आप तमीज से बात कीजिए, आप नीचे उतर जाइए, मुझे देर हो रही है। सर पहले टैक्सी को हाथ क्या देखते, समझ रहे टैक्सी के बाप की है? देखिए आप फिर से मैं कह रहा हूँ, तमीज से बात कीजिए मुझसे। मैं नहीं उतरूंगा, समझा ना, कुछ मैं नहीं उतरूंगा, क्या कर लेगा अभी तू? अरे आप कुछ बोलिए इनको। एक मिनट, किधर जाने का आप लोग को? देखिए मुझे मार्केट जाना है। आपको किधर जाने का? स्टेशन जाना है। ठीक है ना, फिर दोनों को एक ही जगह जाने का है, मैं दोनों को छोड़ देता है, आप लोग भाड़ा शेयर कर लेना। ठीक है चलो। ठीक है ट्रैफिक क्यों जाम है? और ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ? आ
संजय लाइसेंस चेक करो तो। क्या बात है साहब, किस बात की चेकिंग हो रही है? शांति चौक पर भवानी ज्वेलर्स के यहाँ डाका पड़ा हुआ और एक चोर टैक्सी में बैठकर फरार हो गया है, इसलिए हम लोगों ने नाकाबंदी की है। अच्छा अच्छा, वो भाई किसका है? इस आदमी का है ये। अभी अभी एक आदमी यहाँ बैठा था कुछ देर पहले, लगता है उतर गया। टैक्सी में तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। सर मेरा विश्वास कीजिए, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ था। कौन था वो आदमी? मैं उस आदमी को नहीं जानता, वो कौन था क्या था और इस बैग के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है साहब। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बिना जान पहचान वाले के साथ सफर कर रहे थे, क्यों झूठ बोल रहे हो? देखिए साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो आदमी मेरे साथ सफर कर रहा था, ये बैग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, शायद उसी का होगा वो। झूठ बोल रहे हो तुम, बैग निकालो। अरे लेकिन ये है तुम्हारी सच्चाई? नहीं साहब। मारेगा सर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता सर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे वो चोरी कैसे कर सकते हैं? ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि बाबा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि बाबा ने छोटी मोटी नहीं बल्कि एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की है। अरे कोई कुछ भी कर, तू ये चोर हो गए। सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए अब घबराइए मत, ये अपने आपको तकलीफ मत दीजिए। देखिए मैं और अर्चना अभी जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अभी पापा को छोड़ा के लाते हैं, ठीक है? पापा अब ठीक है ना पापा? तो वकील साहब की मेहरबानी है कि आपको जमानत मिल गई, लेकिन अभी केस खत्म नहीं हुआ और ना ही आपकी बेगुनाही साबित हुई। मैं आपको निर्दोष साबित नहीं होने दूंगा। कमाल है, माल के साथ पकड़े जाते हैं और चोरी करने से इनकार कर देते हैं। बाबा आप कुछ कहते क्यों नहीं, बोलिए ना। बाबा बाबा कुछ कहिए ना बाबा, प्लीज बताइए कि ये सब कुछ कैसे, वो गहने आपके पास कैसे आए? देखिए बाबा, हमें पता है कि आपने कुछ नहीं किया, कोई आपको फंसा रहा है, लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं कि क्या हुआ था तो हम लोग डिफेंस कैसे तैयार करेंगे? बाबा कुछ तो बोलिए, प्लीज बोलिए बाबा। बाबा अरे भाई साहब जरा टैक्सी रोकना, मुझे मंदिर जाना है।
जुबान में बाबा का है? बाबा? मानव, मानव प्लीज बाबा को ढूंढिए ना, वो पता नहीं कहाँ होंगे, उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो 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 चलो। अच्छा एक काम करो, तुम यहीं वेट करो, शायद बाबा यहीं कहीं होंगे, वापस आएंगे। मैं तब तक देख के आता हूँ। मानव, बाबा। चिंता मत कर, मैं संभालूंगी अपने आप को। पिछले 3 साल से मुझे आदत हो गई, लेकिन अभी भी लोगों की बातें सुनती हूं ना तो बहुत परेशान हो जाती। कोई भी अगर तुम्हारे बाबा के बारे में उल्टा सीधा कहता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है अर्जुन। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं संभालूंगी अपने आप को। आई, तुझ पर क्या बीत रही मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। जब मानव गायब हुए थे मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था, लेकिन तू तो बाबा का 3 साल से इंतजार कर रही, और ना ही तू अभी तक टूटी है और ना ही तूने उम्मीद छोड़ी है। तू कभी हमारे सामने अपना एक आंसू तक नहीं गिरने देती। किस मिट्टी की बनी है तू? वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और इस इम्तिहान की घड़ी में मैंने तुम बच्चों के खातिर ही अपने आप को संभाला। आज भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना है। अर्जुन, तुम बच्चों को खुश देखने के लिए ही तो मैं जी रही हूँ। चलो बहुत हो गया, चल बाहर थोड़ा सा टहल के आते हैं, ठीक लगेगा। हाँ वैशु बोल। हेलो ताई, ताई कहाँ है तू? मैं आई के घर आई। अच्छी बात है, चल मैं भी आ रही हूँ आई के घर पे, ऐसे भी मुझे घर पे बोर हो रहा है। हाँ आज चल दिया। अरे क्या हुआ, आज मम्मा पे बड़ा प्यार आ रहा है आपको? नहीं आई, मुझे आजी से मिलने जाना है। आजी से मिलने क्यों? बहुत दिनों से मैं उनसे मिलने नहीं गया और आप भी मुझे लेके नहीं गए। अच्छा तो आपको आजी को मिलने आना है ना, चलिए आप मेरे साथ, लेकिन एक शर्त पर, तुम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करोगे। मुझे तंग करते हो वो तो ठीक है, लेकिन आजी को नहीं तंग करना है। हाँ प्रॉमिस आई, मैं आजी को बिल्कुल नहीं तंग करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस आई। गुड बॉय, ठीक है चलो रेडी हो जाओ। ठीक है आई, मैं भी चलूँ आपके साथ। वरुण तुम क्या करोगे वहाँ पे आके? मुझे भी आजी से मिलना है। अरे वो तुम्हारी आजी थोड़ी ना, वो तो अनिकेत की आजी है। वरुण इधर। देख क्या कह रही हूँ ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे कह रही हूँ कि अगर तुम आज ही के घर पे आओगे तो तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा? और घर में भी कोई नहीं है तो कोई तो होना चाहिए ना घर में, और पापा भी अभी आते ही होंगे। ठीक है? ठेंगा ठेंगा ठेंगा, वरुण काई नहीं लेके जा रहे, ठेंगा ठेंगा। तुम वरुण को क्यों चढ़ा रहे हो? तुम्हें आना है ना, तो बिल्कुल चैतानी नहीं। ठीक है चलो अभी चलो। वरुण बेटा तुम पढ़ाई करो, ठीक है?
वर्षा मेरी टाई कहाँ है? क्या हुआ? ठीक हो? नहीं सतीश, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे सुबह से दो बार वॉमिट कर चुकी हूँ, पेट में भी दर्द है। सतीश मुझे नहीं लगता मैं ताई के घर चल सकूंगी, तुम एक काम करो सोहम को लेकर जाओ और ताई से मिलाओ। लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़ करके मैं अकेले कैसे जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है तुम आओ बैठो यहाँ पर। तकलीफ बताया नहीं अभी तक, मैं दवा लेकर आता हूँ, तुम बैठो। नहीं, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन तुम प्लीज ताई से मिलाओ ना, वरना उसे बुरा लगेगा। किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं फोन करके बोल देता हूँ कि हम नहीं आ पा रहे। ठीक है तुम बैठो बैठो यहाँ। अरे ये क्या, तुम लोग ये काम छोड़ो, आराम से बैठकर चाय पियो, मैं अनिकेत को देखती हूँ। हाँ आई, अनिकेत को संभाल के, आजकल बहुत मस्ती करता है वो। तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को ऐसे ही बड़ा नहीं किया मैंने। मैं इतनी मस्ती नहीं करती हूँ, अनिकेत बहुत ज्यादा मस्ती करता है, पता है? हाँ वैशु। और सही तू बता, मानव जीजू कैसे हैं? मानव बहुत अच्छे, बस बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात काम ही करते रहते हैं, कभी सुबह 1 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, या सुबह सुबह 5 बजे तक आ जाते। क्या बात कर रही है, तू सुबह 5 बजे तक उनके लिए जगती है? हाँ अब इतनी मेहनत करे तो कहीं मुझे भी समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, कभी कभी तो पूरा दिन मेरे साथ बिताते। तू ये सब छोड़, तू बता तेरी जिंदगी कैसी चल रही? मैं बहुत खुश होता है, सीरियसली कह रही हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था धर्मेश इतने बदल जाएंगे, और थैंक गॉड मैंने फैसला लिया कि मैं धर्मेश के साथ जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन कम है तो सिर्फ एक ही बात कहे ताई। किस बात का वैशु? ताई तू तो जानती है ना, अब माधुरी हमारे बीच नहीं है, और वो मरते वक्त मुझे और धर्मेश को मिलाकर गई। सच कह रही हूँ ताई, आज भी उसका ये एहसान मैं चुका नहीं पा रही। अच्छा अब मैं चलती हूँ, एक्चुअली आज सतीश जी और वर्षा मेरे घर पे खाना खाने आने वाले, तो मैंने सोचा कि जल्दी से घर जाके मेरे को आज बहुत सारा खाना बनाना, तो मैं निकलती हूँ। ठीक है चल बाय। हाँ सतीश जी बोले। हाँ अर्चना, वो क्या है कि आज हम आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्यों? नहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्या है कि वर्षा के पेट में थोड़ा सा दर्द है। I'm sorry, अर्चना, मैं जानता हूँ कि तुमने काफी इंतजाम किया होगा खाने का, लेकिन अभी मुश्किल है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। तो कोई बात नहीं, कभी और डिनर का प्लान करते हैं। जरूर जरूर अर्चना, थैंक यू। क्या बात है सर, आज घर नहीं जाना है? नहीं, लगता है बीबी से झगड़ा हुआ है। तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? लेकिन अगर आप ऑफिस में देर तक रुके रहेंगे तो मुझे भी रुकना पड़ेगा। तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। इस प्रोजेक्ट का किसी भी हाल में शुरू होना बहुत जरूरी है, लेकिन मानव का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, क्या करूं? अगर मैं डायरेक्टली डीके से बात करता हूं तब भी मानव अपनी टांग अड़ाएगा। डीके मानव पर इतना भरोसा करता है कि उसकी बात टाल ही नहीं सकता, क्या करूं? एक बार अगर मैंने डीके का भरोसा खो दिया मेरा प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हो पाएगा। अगर मैं मानव को डीके की नजरों में गिरा दूं तो काम आसान हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं
देखो मानव, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा आज तक का गुडविल सब मेरी मुट्ठी में कैद है। अब देखना मैं तुम्हारे रेपुटेशन की किस तरह धज्जियां उड़ाता हूँ। कल की मीटिंग में करोड़ों की डील फाइनल करने वाले हो ना तुम, अब मैं भी देखता हूँ इस फाइल के बिना तुम मीटिंग अटेंड कैसे करते हो। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यारे।